गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो ध्यान दें, यहाँ पे यहाँ जो संख्या तो दिया गया है, दो संख्या तो दिया गया है 2.34 व 3.24। इन दोनों का अलग अलग विस्तारित रूप और स्थानीय मान भी लिखना है। तो पहले तो संख्या 2.45 का लिखेंगे विस्तारित रूप और स्थानीय मान, यह लिखेंगे मान। इस संख्या को पहला हो गया एक नंबर, तो दिया जा गया 2.345। इन्हें 2.345 का विस्तारित रूप बराबर प्रतिसंधि इसको विस्तारित रूप क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पॉइंट है दशमलव के बाद देखेंगे कितने स्थान है, जी 3 स्थान है, 3 अंक है, 1, 2, 3। यानी विस्तारित रूप लिखने के लिए क्या करते हैं, जी इन सभी अंकों को डिवाइड करके और उसको ऐड करते हैं, यानी भाग देकर के उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो 2 आपका दशमलव पहले है ये आपका, ठीक है, बिल्कुल अलग अंक है, इससे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। जो इसके बाद वाला जो अंक है, ठीक है, यानी पॉइंट का मान लीजिए इसको हम यदि हम लेते हैं और 5 क्या बचा, जी यहाँ बचा था 3, यानी 0.3 का अर्थ है, जी 0.3 का अर्थ आपका यह है कि 0.1 कितना है, 1 अंक है, यानी 3/10। तो क्या लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे ना जी, 0.3। ऐसे ही चलिए हम इसको ढकते हैं 5 को, तो हम बचकर 2 अंक यानी 0.34। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/100 क्यों लिखेंगे जी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। और इसको भाग देंगे हम क्या लिखेंगे, 0.34, ठीक है। तो ये इसका संकेत है, चलिए इसको लिखते हैं सही रूप से। यानी सुन सकते हैं यहाँ पे 2+2+ 0.3+2+ 0.3+ 0.04+ 0.04+ 4 है, ठीक है, प्लस 0.005। अब यहाँ समझें कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, अभी बताया इनको ढकने क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा तो 1 अंक, यानी 0.3 का अर्थ क्या होगा जी, 3/10। भाग देंगे क्या आएगा, भाग देंगे क्या आएगा जी, 0.3। इसको लिखा गया 0.3। फिर इसको ढक लेते हैं 5 को, क्या बचेगा, 0.34, यानी 2 अंक बचेगा, 0.34 क्या लिखेंगे, 3/100। अब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा जी, सॉरी यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा, बस 4 लिखेंगे, 4/100 लिखेंगे, ठीक है 100, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 है, 2 स्थान पर 4, क्या लिखेंगे, 4/100। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 0.04, ठीक है, क्या आएगा 0.0 को घटा के 2 से हो जाएगा, 2 × 4 + 2 × 100, 2 × 2 = 25, यानी 25 × 100, 0.4 लिखा गया, 0+ सॉरी 0.04
प्लस का लिखा गया है 0.005। यहाँ क्या बचा है 5 और 5, यहाँ लिखेंगे 5/1000। कैसे लिखेंगे, घर लिखेंगे तीसरा स्थान है 5 का, 1, 2, 3, यानी लिखेंगे 5/1/3। और 5 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 0.005। चलिए 0.005, तो यही संख्या क्या है 0.005। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे आप समझ चुके होंगे। तो ये रहा इसका डिसाइड रूम। ठीक है, अब लिखेंगे इसका स्थानीय मान, लिखेंगे 2.345 का स्थानीय मान क्या होगा इसका जी। तो देखिए इसका स्थानीय मान क्या, कैसे निकालते हैं, यहाँ दशमलव भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग गणना करते हैं दशमलव के बाद इकाई दहाई सैकड़। ठीक है, यही चलिए पॉइंट नहीं रहेगा, सिंपल पॉइंट रहेगा, हम लोग इसको गणना करेंगे बाएं से दाएं। लेकिन जब पॉइंट रहता है तो हम गणना करते हैं दाएं से बाएं तक। ठीक है, यहाँ क्या इकाई, ठीक है, यहाँ गणना कैसे करते हैं तो समझेंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद से पहले ना इसके बाद से इकाई दहाई सैकड़। दो का स्थान जाएगा तो इसमें दो का स्थान क्या दो ही हो जाएगा, हम जब कैसे दो हो जाएगा दो का स्थानीय मान। ठीक है, और ये हो जाएगा विस्तारित रूप 2+0.3+0.04+0.005। ये रहा पहले संख्या का आंसर। अब लिखेंगे दूसरा का, मानते हैं दूसरा क्या है 3.24 है, ध्यान देंगे 3.24 है। का विस्तारित रूप, विस्तारित रूप बराबर लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या ये 3 है, तो लिखेंगे 3+। अब देखिए पॉइंट बन क्या है, दो स्थान है 2 और 4, तो 4 के लिए घर में क्या बचेगा, 4 बचेगा पॉइंट पर 1 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0.2। अब यहाँ हटाएंगे पॉइंट तो आएगा 2/10। 10 कैसे आ जाएगी, फिर आप पॉइंट के बाद निकल खाए हैं 1/10 लिखते हैं। अब इसे भाग देंगे 2 × 2 = 6 यानी 1/5, यानी 1 में भाग देंगे 5 से तो मिलेगा 0.5 × 10 यानी 0.2। क्या मिलेगा 0.2, यहाँ लिखेंगे प्लस 0.2, फिर लिखेंगे प्लस और भाग देंगे 4 में। ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद एक स्थान दूसरा स्थान क्या 4 का है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ क्या है कि दो स्थान है 1, 2 स्थान दशमलव का, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपको 100, क्या लिखेंगे 100। अब 4 में भाग देंगे 100 से तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ आपको मिलेगा 0.04 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर मिलेगा 0.04। ये क्या है कि आपका 3.24 का विस्तारित रूप है 3+0.2+0.04। कैसे इसको बनता है आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि इसके पॉइंट के स्थान पर हटाया जा रहा है संख्या को, और यहाँ इसको दसों का 1 अंक है तो 10, 2 अंक है तो 100, 3 अंक रहेगा ठीक है, जैसे इसको डिवाइड करके उसके मान को अंक देना है प्लस रूप में, ये इसका होता है विस्तारित रूप। अब यहाँ समझेंगे कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, इससे पूछा है 2 का, ठीक है 2 का ध्यान देंगे। यहाँ का यहाँ पॉइंट 2 है, ठीक है ध्यान देंगे, यहाँ क्या है दशमलव 2 है, दशमलव 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बराबर यहाँ ध्यान देंगे। अब यह बताया है कि दशमलव में इकाई दहाई की गणना हम लोग दशमलव के
दाएं से बाएं में जब हम पढ़ते हैं यानी इकाई दहाई, और इस परिस्थिति में इकाई के लिए 1/10, दहाई के लिए 1/100, ठीक है, और सैकड़ा के लिए 1/1 से हम गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें जी पॉइंट के लिए क्या क्या है, पॉइंट में क्या इकाई है, इकाई यानी क्या क्या 2 × 1/10 आ जाएगा, 2/2 × 10, 2 × 2 × 2 = 10, 1/5 बराबर क्या रहेगा जी, बताएगा यानी 0.25 × 10, इसको भाग देंगे 5 से यानी जाएंगे पॉइंट, यहाँ बैठेगा 0.5 × 10, 10 से 10 कैंसिल यानी क्या जानी आपको 2.02 वही अपना है 2.02, ये क्या है जी, ये 2 का स्थानीय मान है 2.02 0.2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, इसे आप लोग नोट करेंगे और ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, इसको अपने ऐसे समझ एक दो बार ध्यान की कॉपी में आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्या कीजिए, आप लोग वीडियो बनी देखिए, ठीक है, एक बार दो बार देखिए और देखने के बाद ठीक है क्वेश्चन को शब्द आप अपने कॉपी में लिखिए और अपने मन से बनाइए। ठीक है, फिर जहाँ कोई दिक्कत हो रहा है वहाँ वीडियो में देखिए, कुछ समझिए, फिर वीडियो को और कीजिए, फिर बनाइए, वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं ऐसा एक प्लान एक बार देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर वीडियो को और कीजिए और क्वेश्चन को अपने स्तर से आप हल कीजिए, तब आप पता चल जाए कि हाँ आप कितना समझे हैं, क्या आप क्वेश्चन से समझे हैं, कितना आपसे सीखे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहेंगे, ऐसे आप सीखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।